हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी दरबार। हाय दिस इज अभिषेक तिवारी। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। थर्ड पार्ट में बेसिकली हमको क्या पढ़ना था, फर्स्ट पार्ट में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब हुआ? 14th ऑफ जुलाई 1789। इस दिन से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। बेस्टाइल तोड़ा था, क्यों? फ्रेंच में र्यूमर्स फैल गए थे। फिर हमने देख लिया इसके इमीडिएट रीजन तो ये था, इसके अलावा कुछ और रीजन थे। तो और रीजन में हमने क्या पढ़ लिया था, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द होल ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी वाज स्प्लिटेड इनटू थ्री स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट वाज द स्टेट वेयर ऑल द क्लर्जीज वर देयर। क्लर्जीज वो होते हैं जो चर्च से रिलेटेड काम देखते हैं और करते हैं, जैसे फादर हुए, ऑल द नन्स हुई, ये सारे लोग आते हैं इसमें, क्लर्जीज। सेकेंड स्टेट जो होता है, सेकेंड स्टेट में कौन आते हैं? ऑल द नोबल्स। थर्ड स्टेट में कौन से लोग आते हैं? पीजेंट्स, फार्मर्स, मीडियम साइज या बिजनेसमैन, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोग आते थे प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल के बारे में हमने एक चीज और पढ़ ली थी कि इसी समय उदय हुआ था किसका? न्यू मिडिल क्लास एज। न्यू मिडिल क्लास एज बेसिकली क्या थी? न्यू मिडिल क्लास एज में वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे। किस स्टेट को बिलोंग करते थे? थर्ड स्टेट को। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन, दे हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसे कहते हैं न्यू मिडिल क्लास एज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमको पढ़ना है कि आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन क्या था। बेसिकली व्हेन द मेन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड, कैसे फूटा। तो जब यहां पर हम देखते हैं तो आपको पता है, ये देखो लुई 16 साहब की आपको फोटो दिख रही होगी। लुई 16 साहब, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट गोइंग दिस? ये सारी चीज हुई तो उसने ऐसी क्या चीज की होगी? तो इन फ्रांस of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. जब बात करते हैं फ्रांस में, तो फ्रांस की जो ओल्ड रिजीम थी, ओल्ड रिजीम मतलब पहले की कहानी जब हम देखते हैं, तो वहां पर मोनार्क के पास सारे पावर नहीं थे टैक्स लगाने के। तो टैक्स वो कैसे लगाता था? वो टैक्स लगाता था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के वोटिंग पावर से। वोटिंग पावर कैसे होते थे? तीनों स्टेट की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में तीनों स्टेट के लोग बैठते थे। तीनों स्टेट मतलब the people who belongs to the clergies, the people who belongs to the nobles and the people who belongs to the third estate, that is peasant farmers and professional. ये लोग बैठते थे। तो मैंने आपको बताया था पूरी population के इतने से लोग हैं first और second estate में और इतने सारे लोग हैं third estate में। तो इतने सारे लोग के लिए chair तो होगी नहीं, तो benches किसके लिए होती थी? Chair किसके लिए होती थी? The people who belongs to the first and second estate. क्यों? क्योंकि इनको by birth privilege भी मिलता था, तो ये लोग बीच में बैठते थे। बाकी जो आसपास लोग जगह जो बची वहां पे थर्ड स्टेट के लोग खड़े थे। Where? Women's were not allowed to come. Women's को अलाउ नहीं था कि उन मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड, वो लोग जिन लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू कम देयर। बेसिकली आर्टिशन, लैंडलेस लेबर, दे आर नॉट अलाउड टू बी देयर इन दोस पर्टिकुलर मीटिंग्स। समझ में आएगा? मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। और ये मीटिंग कब होनी है, ये मोनार्क बताएगा। मोनार्क मतलब राजा या रानी। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। 1614 में ये आखिरी बार मीटिंग हुई थी। आप सोचो, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स भी नहीं देना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट रूल करते थे, तो हमेशा जो लॉ पास होगा वो 2:1 से पास होगा। दो लोग कौन है? क्लर्जीज एंड नोबल, क्योंकि पूरा एक स्टेट एक वोट देता है, दूसरा स्टेट एक वोट देता है, तीसरा स्टेट एक वोट देता है। तो आपको पता है लोग यहाँ ज्यादा है, लेकिन वोट का पावर क्या है? इक्वल नहीं है। इंडिविजुअल वोट का पावर इक्वल क्या है? इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेट। तो हमेशा वो दोनों एक साथ होते थे, क्लर्जीज और नोबल, और तीसरे अलग होते थे। तो जो ये चाहते हैं वो हमेशा होता था, टैक्स बढ़ाना है बढ़ जाएगा, क्यों? एट द एंड टैक्स देना किसको है? द पीपल हु बिलोंग्स टू द थर्ड स्टेट। समझ आ रहा? तो एक तरीके ना इंसाफी अगर आप समझो। देन द स्टेट जनरल वॉज अ पोलिटिकल बॉडी टू वेज द थ्री स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल जो होता था वो तीनों स्टेट का एक लीड करता था और वही वह मीटिंग को अटेंड करते थे, ठीक है। Now, 5 मई 1789 को कुछ हुआ था। वो क्या हुआ? लुई 16 called together an assembly of the state general. इसने फिर से क्या किया? तीन स्टेट के स्टेट जनरल्स को बुलाया। For what? एक हम मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में क्या करना है इनको? टैक्स रेट फिर बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने हैं? क्योंकि हमने अभी देखा इनके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है कि वो देश को आगे चला पाए। देश को आगे चला पाए से मेरा मतलब है आर्मी के लिए पैसे नहीं, उनको अपने कोर्ट के जो लोग हैं एम्प्लॉयज उनके लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत सारे वहाँ सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए उनको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए बढ़ाया, टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। देखा, पीजेंट आर्टिशन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। ये लोग को अलाउ नहीं था कि अब असेंबली में आए। तो ये लोग क्या करते थे? अपनी ग्रीवेंसेस जो भी ये चाहते थे किसके द्वारा लिखते थे? अपने फादर, अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर या अपने फ्रेंड।
उनको देते थे लेटर के फॉर्म में, और ये लोग कहाँ पढ़ते थे, वहां पे जाके लेटर पढ़ते थे कि ये इनकी ग्रीवेंसेस है, ख्वाहिश है कि चीज हो। इस टाइप की मीटिंग आपको दिख रही है, स्टेट जनरल मीटिंग आपको दिख रहा है, बीच में कुछ लोग बस बैठे हैं, बाकी सारे के सारे लोग आसपास थे, वो चारों तरफ खड़े हुए। दिस इज हाउ दैट इज हाउ द मीटिंग यूज्ड टू हैपन। अब स्टेट जनरल जब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेट के 300 लोग आते थे, सेकंड स्टेट के 300 और थर्ड स्टेट के 600। आर मतलब रिप्रेजेंटेटिव, तो 300 रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग्स टू द फर्स्ट स्टेट, 300 रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग्स टू द सेकंड स्टेट, एंड रिमेनिंग 600 बिलोंग्स टू द थर्ड स्टेट। ऑब्वियसली ज्यादा लोग किसके, थर्ड स्टेट के, लेकिन तीनों को जो वोटिंग पावर था वो बराबर था, मतलब फर्स्ट स्टेट का एक पावर, सेकंड स्टेट का एक पावर, थर्ड स्टेट का एक पावर। इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ वोट, डिपेंड करता है स्टेट। तो रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर देन प्रोपोर्शनल एजुकेटेड पीपल। और जहां पर जो मैं थर्ड स्टेट की बात करता हूं, तो 600 जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें मैक्सिमम लोग कौन है, पढ़े लिखे। हमेशा याद रखो, जब भी आपकी किसी से लड़ाई होती है, किसी भी देश से, किसी भी दोस्त से, कहीं भी लड़ाई होती है, अपने साथ बलशाली लोगों को रखो ना करो, वो जो जिम जाते हैं ना, उन लोग को रखो ना रखो, उसको जरूर रखो जिसकी बुद्धि अच्छी है, हु हैज गुड ब्रेन, ऑल्दो बहुत पतला सा है, ठीक है, ही इज नॉट वेरी गुड इन फाइटिंग बट ही इज वेरी क्लेवर। दिमाग तेज होना चाहिए इंसान, हमेशा याद रखना। आप अगर जिम जाते हैं अभी से, डोंट गो टू द जिम, लेकिन अगर जिम जाते हो तो फिटनेस के लिए जाओ, बॉडी बनाने नहीं। समझ आ रहा है? इस दिस पर्टिकुलर जो आपकी एज होती है, ये आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, टू बिल्ड योर ब्रेन मोर एंड मोर हेल्दियर और पावरफुल। समझ आ रहा है? ये अच्छा होगा तो आपके पीछे कई बॉडी बिल्डर घूम रहे होंगे। देखते हो ना, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन, एट प्रेजेंट ही यूज्ड टू कॉल श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके साथ देखते हो ना कितने बॉडी बिल्डर घूमते हैं, कौन है वो, उनके बाउंसर्स। समझ में आ रहा है? सिक्योरिटी गार्ड। तो हमेशा याद रखना, दिमाग वाला इंसान हमेशा आगे चलेगा, ठीक है, तो ये अच्छा होना चाहिए, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इधर तक कोई डाउट तो नहीं किसी को ना बच्चे ना। वोटिंग पैटर्न मतलब किस तरीके से वोट होते हैं, वन स्टेट वन वोट, तीन स्टेट है तो तीनों स्टेट की एक एक वोट है, तो हमेशा जीतेगा कौन, बट ओके सर, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो चाहती है वो हमेशा किसको सपोर्ट करते हैं, तो मुना ना। जब मैं बात करता हूँ लुईस 16 साहब की, तो लुईस 16 वो डिटरमाइंड कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, यही चीज वो अभी भी कर रहा है। पढ़े लिखे लोग इसका अपोज करेंगे, उन्होंने बोल दिया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम जाओ भाड़ में, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी खुद की क्या बनाएंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे, ठीक है, हम खुद अपने डिसीजन लेंगे, आपको मानना है तो मानो, नहीं तो भग जाओ। कुछ दिन में दे वॉन्ट वॉट, मोनार्की सिस्टम खत्म। तो मोनार्की सिस्टम खत्म एकदम से तो होगा नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो यहां से हम ये देखेंगे, नाउ द मोनार्क विल बी कन्वर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है इट्स सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, कंट्री में जो सबसे पावरफुल चीज होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन करेगा क्या, तो जब मैं मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की बात करता हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ किंग, मोनार्क की जो पावर है उसको थोड़ा कम कर देगा, लिमिट कर देगा कि वो जाती ना करे, ठीक है, अपने पावर का मिसयूज ना करे जो अभी तक हो रहा था, दैट ही वांट कि इट शुड नॉट बी हैपन देयर। आई होप दिस इज क्लियर। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड फॉर अ न्यू वोटिंग पैटर्न, उसमें क्या होगा, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सबसे पहले उन्होंने बात की थी डेमोक्रेसी, मींस द गवर्नमेंट विल बी चोजन बाय द पीपल, गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो किसके द्वारा चुनन होगी, हमारे द्वारा, हम कौन, वी द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, कौन बनेगा, हम में से एक बनेगा, इसे ही कहते हैं क्या, डेमोक्रेसी। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बात उठी थी, इसलिए मैंने आपको बताया था जितनी भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, जितनी भी दुनिया में डेमोक्रेसीज हैं, उसका जो बेस है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही रखा गया था। समझ आ गया, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक आपको कोई भी डाउट लगता है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। समझ आ रहा है, तुम लोग अपने दोस्तों को भेजो। किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, किंग ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को, क्यों कर देगा किंग रिजेक्ट, बट ऑब्वियस है, इसलिए करेगा ना, इसलिए करेगा क्योंकि उसकी पावर कम होगी ना, तो तुम चाहते हो तुम्हारा पावर कम हो, नहीं तुम तो हमेशा चाहोगे पावर बढ़े पावर बढ़े पावर बढ़े, लेकिन आपके अपोज में बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि भैया पावर को लिमिट करो, क्यों, क्योंकि आप अननेसेसरी चीज कर रहे हो, आप हमको हमेशा दबा रहे हो, बिकॉज यू आर बायस्ड, दे डोंट वांट कि नेक्स्ट जॉब कमिंग रूल जॉब भी लॉ लेके आओगे, दे शुड नॉट बी बायस्ड। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, सब भग गए। 20 जून को कुछ हुआ, क्या हुआ,
they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. Versailles, Versailles kya? Versailles wo zameen hai jahan pe rani aur raja ka mahal bana tha. To yahan pe ek tennis court tha, wahan pe sare ke sare log assemble hue aur inne bola hum apni kya karenge, nayi national assembly banayenge. Declared themselves a national assembly. समझ आया? इसके बाद sought not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. अभी बताया जो चीज़, ठीक है? Now they were led by Mirabai, Mirabeau and Abishas. These are two important words. आपसे पूछा जाएगा जब constitution बनाने की बात की गई थी और जब ये tennis court में आए थे और national assembly की बात की थी, तो who were the two people जो इनके leader थे? कौन थी? Mirabeau and Abishas. ये दो बंदे बहुत ज़्यादा important हैं. इनका नाम याद रखना. ये देख रहे हो भाई साहब, दादू देखे, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. मीराबाऊ वाज बोर्न इन नोबल फैमिली. अब देखो यार, आपने सबने रामायण देखी है. रामायण में रावण को हम इविल मानते हैं, डेविल है ना, गुंडा था ना, ही वाज अ विलन नहीं था. दूसरा राम जी को मानते हैं भगवान, द हीरो. आपने देखा पूरे विलन है श्रीलंका में, लेकिन उसमें भी एक ऐसा होता है जिसका दिल साफ होता है, विभीषण. विभीषण का नाम सुने हो? कौन थे वो? He was the brother of, younger brother of रावण. रावण के वो छोटे भाई थे. उन्होंने सपोर्ट किसका किया था? राम जी. क्यों किया था? क्योंकि उनको पता था whatever thing which रावण is doing is wrong. It's against the humanity. तो उसने सपोर्ट किसका किया? अच्छे और बुरे में अच्छे का. वैसे ही बहुत सारे नॉवेल्स में कुछ लोग ऐसे भी थे जो जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं. किनके साथ? विद दोस पीपल. तो इन्होंने उसका सपोर्ट किया. उनमें से एक भाई ये थे. He was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. जो privilege आपको दिया जा रहा है, तो privilege नहीं देना चाहिए. On the basis of knowledge, आपको privilege दिया जाएगा, ठीक है? Now he brought out the general. इसमें general, general का मतलब क्या है? जैसे magazine, newspaper होता है, वो इन्होंने एक पास किया. उन्होंने इस पर बहुत सारी powerful debate, बहुत सारे powerful चीजें, influencing चीजें लिखी, जिससे लोग और ज्यादा aware हुए. Delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. Versailles में जो लोग खड़े थे, एक पढ़ा लिखा इंसान आपको बताएगा ना कि क्या चीज आपके साथ गलत हो रही है, कैसे हम इसे ठीक करना है. तो इन्हें एक ऑप्शन क्या रखा? हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे. क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली लिमिट्स द पावर ऑफ द किंग, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरे इंसान है एबिशियास. अभी देखो ये थोड़े यंग से, जवान से. ही इज ओरिजिनली अ प्रीस्ट. एक देख लिया नोबेल, नोबेल, और दूसरा हमने क्या देख लिया? एक क्लर्जी को जो बिलोंग कर रहा है, क्लेस स्टेट वन. स्टेट वन में प्रीस्ट आते हैं ना, पादरी, फादर जैसे आप कहते हो, वो भाई साहब हैं. तो इन्होंने भी क्या किया? रोट एन इन्फ्लुएंसिव पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट. इन्होंने एक इन्फ्लुएंसिंग पैम्फलेट लिखा. आज की डेट में जो इन्फ्लुएंसर है और जो इन्फ्लुएंसर उस समय होते थे, दे आर टू डिफरेंट पीपल, ठीक है? इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं. तो इन्होंने इन्फ्लुएंस किया लोगों को. अपने एक पैम्फलेट इन्होंने लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट है क्या? तो बेसिकली उधर पे इन्होंने इनके बारे में लिखा कि इनके साथ क्या गलत हो रहा है, कितनी दयनीय स्थिति है, एंड हाउ टू अपग्रेड देम. समझ में आ रहा है? हाउ द गवर्नमेंट इज बायस्ड टुवर्ड्स फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इस चार्टर का नाम जो मैंने बताया ना, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको बनेगी नहीं पढ़ते. समझ आ रहा है? फ्रेंच लैंग्वेज मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो मुझसे भी नहीं बनता. कन्वर्जन मुझे आता है, ठीक है? फॉल ऑफ बेस्टाइल मैंने आपको बता चुका था. बेस्टाइल को कब जलाया गया था? इसके बाद ही वो इंसिडेंट हुआ, 20 जून के बाद, 14th ऑफ जुलाई 1789 बेस्टाइल को जला दिया. विमर्श पहले, मैं तो आपसे चिढ़ता हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे लिए गलत हो. जब आप मेरे लिए गलत हो, आप मेरे बारे में गलत सोचते हो, तो र्यूमर्स जब फैले ना, तो लोगों ने उसे सच्चाई इसलिए मान लिया था कि आप कुछ भी अब कर सकते हो, हम आपके अगेंस्ट नहीं. दैट्स वाई दैट रिवोल्ट फॉर 14 जुलाई 1789 को जो पहला फॉल ऑफ बेस्टाइल है, बेस्टाइल को तोड़ा गया था, वो उसका रिजल्ट था. समझ आ गया? पिक्चर आपको दिख रही होगी. नेशनल असेंबली वॉज बिजी एज वर्सलाइज ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये पूरी की चीज एक बार रीड कर लो. जो चीज मैंने आपको बताया था, वही सारी चीज लिखी है, विच इज इंपॉर्टेंट. मैं रीड आउट कर दे रहा हूँ, जस्ट रीड इट. रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथ्ड विद टर्मोइल. सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट. बहुत ज्यादा खतरनाक ठंडी आ गई, जिससे हार्वेस्ट आपका खराब हुआ, फर्टाइल जमीन, मतलब आपका आउटपुट प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ. प्राइस, जिसके कारण क्या हुआ, जो प्राइस थे किसके, ब्रेड के, बढ़ गए. बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज.
स्पेंडेड आवर्स इन लॉन्ग क्यूज द बेकरी, और पता चल रहा है बेकरी में खड़े हो खड़े खड़े बेकरी में सामान खत्म हो गया और आपको मिला ही नहीं. द क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इन टू द शॉप. किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इन टू पेरिस. ये रूमर्स थे. 14 जुलाई को क्या हुआ? द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल. इसलिए इस डे को क्या मनाते हैं? बेस्टाइल डे. ठीक है, कब? 14 जुलाई एवरी ईयर. कंट्रीसाइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज. पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक्ड चैटॉक्स. दे लूटेड होडेड ग्रेन, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेनोरियल ग्रेन. लार्ज नंबर ऑफ नोवेल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स. कई लोग भाग गए, ठीक है. मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्री. ये सारी चीज तुमने पढ़ी, ये चीज आंसर लिखने के लिए अच्छा होगा. लेकिन यहाँ पे एक कहानी भी आपको बताता हूँ. व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज हैपनिंग, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चल रहा था, मतलब स्टार्टिंग में 14 जुलाई की पहली कहानी आपको बताऊँ, तो जब ब्रेड के प्राइस जितने बढ़ गए थे और ब्रेड लोगों को खाने के नहीं था, तो लोग वर्साइल्स में, वर्साइल्स मतलब जहाँ इनका राजमहल था, यहाँ पे लोग गए थे, गैदर्ड हुए थे इनके घर के बाहर. तो बालकनी से इनकी पत्नी जिनका नाम क्या था? मैरी एंटोनिएट. इन मैडम ने देखा कितनी भीड़ क्यों है, तो एक सेनापति आया और उनसे कहा, क्या? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं इनको रोटी नहीं मिल रही, दे आर नॉट एबल टू बाय द ब्रेड. गेहूं नहीं है मार्केट में, नहीं मिल रहा. तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, इफ यू डोंट हैव द ब्रेड देन ईट केक्स. तो आप केक खाओ. इसे बाकी लोगों ने क्या समझा? एक मजाक समझा कि आप मेरा क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो. तो वहीं पे जो लोग खड़े थे और जो बोलने गया था सेनापति, उसकी आंख में उन्होंने क्या घुस दिया था? क्या होता है वो लंबा लंबा सा भाला? मार दिया और वो तुरंत मर गया. बट एक बुक अगर आप पढ़ोगे, इफ आई एफ, इस बुक में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने ये क्यों कहा था. ये तो हो गया अबॉल्ट, लेकिन बात की कहानी. उन्होंने इसलिए कहा था कि इनके किचन में बहुत सारा केक पड़ा हुआ था, कई बहुत सारा, और वो कंटिन्यूसली रख रखा खराब हो रहा था, चूहे और बाकी चीज को खराब कर रहे थे. तो वो रखे से अच्छा है व्हाट शी वांट कि वो केक उठा के लोगों को दे दो, तो लोग उसके ना पेट भर लें. उनकी थिंकिंग पॉजिटिव थी, बट द वे इट वॉज इनकल्केटेड टू देम वॉज डिफरेंट. समझ आ रहा है? तो आपके बोलने का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, दैट हाउ यू आर स्पीकिंग. समझ में आ रहा है? व्हाट इज योर एटीट्यूड? आप सामने वाली की इज्जत करते हो, लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हो उससे झलकता नहीं, इज्जत कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा. तो आपका मुंह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. This is how the vestile was going. समझ आ रहा है? I hope these particular things are clear to you. That the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe hot crops. ठीक है? फिर इसके बारे में चीजें लिखिए. ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेना. I'm going to share the PDF of this particular thing in your, in my Telegram also. You can take the printout from there. Now the tennis court. ओथ, जो ओथ की प्रिपरेशन है उसका एक स्केच यहाँ पे बना है. ये भाई साहब सामने खड़े हुए ना, इनका नाम क्या बताया अभी मैंने? मीराबाग. ये वही खड़े हैं, ठीक है. प्रिपरेटरी स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय जैक लुइस डेविड. इनने पेंटिंग बनाई थी. द प्रिंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली. सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू. ये हमारा थर्ड पार्ट था इस पर्टिकुलर चैप्टर का. सून वी विल गोइंग टू रिकॉर्ड द थर्ड, फोर्थ एंड अपवर्ड पार्ट. टोटल 7 पार्ट में इस चैप्टर को मैं कवर करूंगा. टिल देन थैंक यू.